विपक्ष का कोई और नहीं बोला, तो वहां मस्जिद टूट जाती है, तोड़ने निकल जाती है भीड़, उसे रोके उन्हें नहीं रोका, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। कम से कम जहां अधिकार आपके हाथ में है, जहां सरकार आपके हाथ में है, जहां पावर आपके हाथ में, वहां तो करो, वहां तो रोको। अगर वहां नहीं रोक रहे तो साफ है कि तुम भी वैसे ही हो जैसे दूसरे। नहीं, मुस्लिम को अपनी लाचारी तोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। मुस्लिम को किस बात के लिए लाचार है? क्या उसकी संख्या कम है? क्या उसके पास ताकत कम है? क्या उसके पास बुद्धि कम है, साहस कम है? मुस्लिम समाज की बहन बेटियों ने, बच्चियों ने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी सी है एनआरसी के पूरे देश में सरकार की जो हिला कर रख दिया संघर्ष। आपने जब आजादी की लड़ाई लड़ी, उस आजादी की लड़ाई में जो है करीब 63-64 हज़ार जो ये रहा इंडिया गेट जाके देख लो, नाम लिखे पड़े, वो मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जान दी। अभी इतनी बड़ी संख्या में आप देश की आजादी के लिए जान दे सकते हो, आप अपने आप को बचाने के लिए खड़े नहीं हो सकते क्या? घर मकान टूट जाएगा, जेल में चले जाओगे तो क्या फर्क हो जाएगा? मैं बता दूंगा, लाखों की संख्या में मंदिर अवैध हैं, लाखों की संख्या में पार्कों में बने हैं मंदिर, सड़कों पर बने हैं, ग्रीन एरिया जो है उसमें बने हैं, समझे ना। और तो और जाके देख लो, ये कड़कड़ूमा कोर्ट है, कड़कड़ूमा कोर्ट के कोने पर बना रखा मंदिर, बना ना बना। अभी देखो आप कॉलोनियां जा रही हैं, कॉलोनियां की दीवार के साथ में मंदिर, आधी सड़क घिर रखी है, वहाँ मंदिर बने हैं। दिल्ली में देख लो आप, कहीं और जाने की जरूरत, ये सब बने हैं, पर क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। तो अगर मुस्लिम डर में है तो तुम बैठे रहो, आज तुम्हारी मस्जिद तोड़ी गई, कल तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। पर जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, हम हिमाचल की बात कर लेते हैं, एक उग्र भीड़ जो है मस्जिद को तोड़ने निकल जाती है। और ये एक एक शहर का मामला नहीं है, पहले शिमला, फिर उसके बाद मंडी, फिर कांगड़ा, पालमपुर, धीरे धीरे जो उग्र भीड़ है वो बढ़ रही है। भाई मैंने जो अभी आपको बताया कि जब तीन तीन एजेंसियों ने सिद्ध कर दिया कि 2024 के चुनाव में बेईमानी, उस पर नहीं बोली कांग्रेस, विपक्ष का कोई और नहीं बोला, तो वहां मस्जिद टूट जाती है, तोड़ने निकल जाती है भीड़, उसे रोके उन्हें नहीं रोका, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कोई नई बात थोड़ी है। कोई सरकारों का, जो अब तक की सरकारें चल रही थी या चल रही हैं, इनका कोई चरित्र में कोई बहुत ज्यादा फर्क मुझे तो नजर नहीं आया, आपको नजर आता हो तो बताओ। पर ये संविधान बचाने की बात करते हैं। ये संविधान बात तो कुछ भी कर लो भाई, बात करने में क्या। हमारे एक साथी कहते हैं मुंह के आगे मैदान है, जितना चाहो बोल लो, जो चाहो बोल लो, कोई फर्क थोड़ी है। बात उसकी नहीं, बात यह है कि आप काम क्या कर रहे हैं। कम से कम जहां अधिकार आपके हाथ में है, जहां सरकार आपके हाथ में है, जहां पावर आपके हाथ में, वहां तो करो, वहां तो रोको। अगर वहां नहीं रोक रहे तो साफ है कि तुम भी वैसे ही हो जैसे दूसरे। फिर तंत्र ऐसी बढ़ता जाएगा, ये जो नफरत है ये रुकेगी कैसे? जब इस देश के लोग समझ लेंगे कि अब उन्हें लड़ना है, और मैं बार बार कह चुका हूं इस देश के लोगों को एक बार तो लड़ना ही पड़ेगा। वो आज लड़ रहे हैं सरकारों से, इस देश में जो गुंडा तत्व है उनसे, सरकारों से लड़ना पड़ेगा। आम जनता जो है, जो घरों में बैठी है, चुप बैठी है, उसको लड़ना पड़ेगा। केवल वोट देने से बात नहीं बनेगी, वोट तो आपकी लूट ली जा रही है, सड़क पे आकर जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, तब ही ये देश बच पाएगा, अन्यथा नहीं। अब केवल जन आंदोलन ही एक रास्ता है। जब कोर्ट भी बेकार हो चुकी हों, सरकारें लगातार अत्याचार कर रही हों, तो आप कौन रोके? केवल नजर आ रहा क्या? नहीं, मुस्लिम को अपनी लाचारी तोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। मुस्लिम को किस बात के लिए लाचार है? क्या उसकी संख्या कम है? क्या उसके पास ताकत कम है? क्या उसके पास बुद्धि कम है, साहस कम है? मुस्लिम समाज की बहन बेटियों ने, बच्चियों ने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी सी है एनआरसी के पूरे देश में सरकार की जो हिला कर रख दिया सरकार को, घुटनों फैला दिया, कहां कम है? अगर नेता खामोश है तो नेता बदल दो, नेता नहीं लाओ, दूसरे नेता लाओ। बहुत सिंपल सी बात है, सड़क पर आना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, ये चीजें बदलनी पड़ेंगी। ये जो भावना आपने बना ली है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे, बीजेपी को हराना जरूरी है, लेकिन वोट किसको देना है ये भी सोचना पड़ेगा, कौन उनका नेता होना चाहिए ये भी सोचना पड़ेगा। या तो अपने में से लगाओ, निकालो नेता, नहीं तो जो आपको दिख रहे हैं उनमें से जो बेस्ट है उसको छांटो। सड़क पर निकलने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक आरोप के चलते घर दुकान मकान सब तहस नहस हो रही है, क्या फर्क पड़ता है यार? जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लोगों की जाने चलाई जाती है, ईंट पत्थरों की बात छोड़ो, आप लोगों को मार दिया जाता है। आप गुजरात भूल गए क्या? हजारों लोगों को काट दिया गया, लेकिन ये तो होता रहा है संघर्ष। आपने जब आजादी की लड़ाई लड़ी, उस आजादी की लड़ाई में जो है करीब 63-64 हज़ार जो ये रहा इंडिया गेट जाके देख लो, नाम लिखे पड़े, वो मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जान दी। अभी इतनी बड़ी संख्या में आप देश की आजादी के लिए जान दे सकते हो, आप अपने आप को बचाने के लिए खड़े नहीं हो सकते क्या? घर मकान टूट जाएगा, जेल में चले जाओगे तो क्या फर्क हो जाएगा? जेल में चले जाओगे, मैं लड़ूंगा मुकदमा, क्या दिक्कत है? मैं लड़ूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मुकदमे, लड़ो तो सही, लड़ना आप ही को पड़ेगा। दर्द जिसको है, दुख जिसको है,
पहले उसको खड़ा होना पड़ेगा, दूसरा कोई साथी देगा, कोई ये समझो कि दूसरा आके जो हमारे दुख दर्द दूर कर जाएगा, ऐसा होता नहीं। पर ये तो मुद्दा तो यही है कि आखिर कब तक ये चीजें चलेंगी? जब तक आप सोते रहोगे तब तक चलती रहेंगे, जिस दिन जाग जाओगे, जाग के खड़े हो जाओगे और खड़े भी लठ लेके खड़े हो जाओगे, उस दिन ये रुक जाएंगे। जागने पर ज्यादा चलता है ना बुलडोजर? जागने पर ज्यादा चलता है, अभी आप जागे नहीं, इसका मतलब जिस दिन जागे कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो एक कदम भी उधर बढ़ा दे। आंदोलन ही तो क्या था, जगा ही तो रहे थे वो लोग, जगा रहे थे, जागे नहीं ना, जगा रहे थे लोग, जागे नहीं ना, जाग जाएंगे उस दिन हो जाएगा। अब देखो तमाशा, आप जिस दिन लोग जाग जाएंगे उसी दिन काम हो जाएगा। मस्जिदों को अवैध बताया जा रहा था, क्या मंदिर अवैध नहीं है? मैं बता दूंगा, लाखों की संख्या में मंदिर अवैध हैं, लाखों की संख्या में, पार्कों में बने हैं मंदिर, सड़कों पर बने हैं, ग्रीन एरिया जो है उसमें बने हैं, समझे ना। और तो और जाके देख लो, ही कड़कड़ूमा कोर्ट है, कड़कड़ूमा कोर्ट के कोने पर बना रखा मंदिर, बना ना बना। अभी देखो आप कॉलोनियां जा रही हैं, कॉलोनियां की दीवार के साथ में मंदिर, आधी सड़क घेर रखी है, वहाँ मंदिर बने हैं। दिल्ली में देख लो आप, कहीं और जाने की जरूरत, ये सब बने हैं, पर क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, जो अधिकारी हैं वो उनके सपोर्टर हैं, उन्हीं के लोग हैं, इसलिए कुछ काम नहीं होता, इसलिए उन पर बुलडोजर नहीं चलता। नहीं तो बोल, इतने डर में है कि अपना आप खुद ही तोड़ने लगे मस्जिद को। तो अगर मुस्लिम डर में है तो तुम बैठे रहो, आज तुम्हारी मस्जिद तोड़ी गई, कल तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। खुद को माइनॉरिटीज में काउंट कर रहे हैं। कौन? मुस्लिम नहीं, मुस्लिम माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में मुस्लिम है ही नहीं, माइनॉरिटी में तो सवर्ण समाज के लोग हैं, ये 15% जनरल के जो लोग हैं ये माइनॉरिटी में, मुस्लिम कहां से माइनॉरिटी में हो गया? 20 करोड़ की आबादी माइनॉरिटी में होती है क्या? अब अपने आप को आप मानते हो माइनॉरिटी में, आप मानते हो या तो मैं बीमार हूँ, मरा हुआ यार, मैं बिल्कुल कर नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, तो इसका इलाज क्या है? मतलब